हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। बच्चों, आई होप आप घर पर होंगे और सेफ होंगे। बेटा बेटा, कोरोना वायरस चल रहा है तो अपने फैमिली मेम्बर से भी बोलो कि घर पर ही रहें। अगर घर पर रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन टू। आज मैं आपको आपके लेसन टू के वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज करा रही हूँ। तो ध्यान से बेटा इस वीडियो को वॉच करना और अपने जो वर्ड मीनिंग है अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। बेटा, लास्ट वीडियो में हमारा जो लेसन टू था वो कंप्लीट हो चुका था। हमारा लेसन टू कौन सा था बेटा? नो टाइम टू लर्न। सीखने का कोई भी टाइम नहीं होता, हम कभी भी सीख सकते हैं। इसमें जो एक पुअर गर्ल और एक रिच गर्ल की कहानी थी, किस प्रकार रिच गर्ल जो होती है उसने तारा की क्या की थी, राखी ने मदद की थी, और किस प्रकार वो जो तारा थी वो कई कठिनाइयों को पार करते हुए एक दिन एक अच्छी टीचर बन जाती है। तो इस लेसन में यही था। आज मैं आपको इस लेसन के वर्ड मीनिंग करा रही हूँ, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा बस्टलिंग। बस्टलिंग मीन होता है हलचल या बहुत शोर वाला इलाका। जो राखी थी वो कहाँ पर रहती थी? बस्टलिंग सिटी में, कोलकाता में। कहाँ पर रहती थी? कोलकाता में, जहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा वाली जगह होती है। सडनली, सडनली मीन क्या होता है? अचानक, ठीक है। जैसे भी हमारे कोई हमारा सडनली कोई काम हो जाता है तो हम बोलते हैं सडनली ये वर्क हो गया, तो सडनली मीन होगा अचानक। ड्वेलर्स निवासी, जहाँ पर वो रह रहे हैं ड्वेलर्स को हम बोलेंगे बेटा निवासी, ओके। ट्यूटर्स अध्यापक, कोई भी मतलब ट्यूटर्स हम बोलते हैं, टीचर जो होते हैं वो अध्यापक होता है। ट्यूटर भी हम इसको बोल सकते हैं, मतलब किसी चीज से हम किसी से भी हम कुछ सीखते हैं तो उसको हम अपना ट्यूटर बोल सकते हैं। तो ट्यूटर मीन होगा अध्यापक, कोई भी चीज को सिखाने वाला। मॉनिटर कक्षा नायक, आपकी क्लास में टीचर जो होती है वो एक मॉनिटर अपॉइंट कर देती है एक बच्चे को, तो उसको हम मॉनिटर बोलते हैं ना बेटा, उसको हिंदी में हम बोलेंगे कक्षा नायक। प्रोग्रेस विकास करना। टैटर्स फटे हुए, जो तारा थी जब वो राखी के गाड़ी आई थी वहां पर भीख मांगने के लिए आई थी, तो जो उसके क्लॉथ से वो कैसे थे बेटा, फटे हुए थे, तो इसमें टैटर्स है। टैटर्स मीन्स होंगे फटे हुए। वेल विलाप करना। कैनवस, कैनवस होता है एक मोटा कपड़ा, ठीक है बच्चों। कैनवस को हम बोलेंगे मोटे कपड़े जैसा होता है। रेगुलर नियमित, रेगुलर स्कूल में जो तारा थी वो जाने लगी थी, और तारा का जो स्कूल था वो कौन सा था बताओ बेटा? उन बच्चों को क्या कहते थे? रेनबो चिल्ड्रन। प्रोग्राम कार्यक्रम, हम कोई भी प्रोग्राम जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में कार्यक्रम। प्रोग्राम को क्या बोलेंगे बेटा? कार्यक्रम। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होती है वर्दी, एक प्रकार की स्कूल की जो ड्रेस होती है उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। आप बच्चों के पास भी यूनिफॉर्म ही होगी तो उसको हम बोलेंगे हिंदी में वर्दी। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा जो लेसन फोर था उसके वर्ड मीनिंग हो गए हैं। अब मैं आपको इस लेसन के फिल इन द ब्लैंक्स करा रही हूँ, तो ध्यान से सारे बच्चे वीडियो को देखेंगे और अपनी जो बुक है वो ओपन कर लेंगे, और साथ साथ जैसे जैसे मैं फिलअप में फिल करती हूँ आप भी मेरे साथ फिल करते जाना। तो फर्स्ट है बेटा हमारा, प्लीज गिव मी समथिंग टू। कौन कहता है कि मुझे कुछ दे दो? राखी जो तारा होती है भीख मांगने के लिए आती है, तो उनकी गाड़ी के पास रुकती है, तो जो तारा है उससे बोलती है ना राखी से विंडो में से हाथ फैला के कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो यहाँ क्या आएगा? प्लीज गिव मी समथिंग टू, बताओ बच्चों। ईट, वेरी गुड। क्या आएगा? ईट, ईट राइट कर लीजिए बच्चों। सेकंड वन है हमारा, डू यू वांट टू सेंड योर डॉटर टू। जब राखी के पेरेंट्स तारा की मदर के पास जाते हैं तो उनसे क्या कहते हैं बेटा? डू यू वॉन्ट टू सेंड यूर डॉटर टू, क्या तुम अपनी लड़की को कहाँ भेजना चाहोगे बेटा? स्कूल।
तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, स्कूल फिल कर लीजिए। वो उसकी जो तारा की मम्मी से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहोगे। द नेक्स्ट डे तारा मेट द डैश चिल्ड्रन। नेक्स्ट डे जो तारा थी वो किन बच्चों से मिली बताओ? नेक्स्ट डे वो स्कूल जाने लगी तो वो किन बच्चों से मिली? उन बच्चों को क्या कहा जाता था? वो किस प्रकार का स्कूल था? रेनबो चिल्ड्रन। क्या कहा जाता था? रेनबो इंद्रधनुषी बच्चे कहा जाता था। तो वो नेक्स्ट डे वहां जाकर उनसे मिली। देन बिगिन विद नंबर्स एंड लेटर्स। जो उनकी शिक्षा थी वो कैसे स्कूल में होती, कैसे शुरू होती थी? नंबर्स से और लेटर्स से। तो स्कूल बिगेन विद नंबर एंड बताओ, इसमें आएगा बेटा हमारा स्कूल डेट बिगिन विद नंबर एंड लेटर्स। उनके जो स्कूल में था, किससे स्कूल मतलब जो था नंबर और लेटर से क्या शुरू होता था? जिस स्कूल में वो जाती थी क्या शुरू होता था बच्चों? टीचिंग। क्या होता था? टीचिंग। तो उनकी जो टीचिंग थी वो किससे शुरू होती थी बेटा? नंबर और लेटर से। तो आप बेटा नंबर टीचिंग फिल कर लीजिए। ठीक है, फिर से बनता है हमारा द यंग डैश स्माइल्ड एंड ग्रीटेड द विजिटर्स। जब तारा जो थी वो एक अच्छे टीचर बन गई थी, एक दिन राखी के जो पेरेंट्स थे और राखी थी वो विजिट करने के लिए आई थी। तो उन्होंने जो द यंग डैश स्माइल, तो किसने उनको स्माइल किया था देखकर, उनका स्वागत किया था? तो यहाँ क्या आएगा बेटा? यंग टीचर। एक यंग टीचर थी और उसने उसका उनका हंसकर स्वागत किया। और वो यंग टीचर कौन थी बेटा बताओ? आपको पता था लेसन के एंड में मैंने आपको बताया था कौन थी वो टीचर? तारा। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको आपके लेसन 2 जो है उसके वर्ड मीनिंग और फिलिप्स कराए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कॉल कर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। बेटा एक बार फिर कह दूं, ऑनलाइन क्लास है, सीरियस होकर आप अपने जो हम वीडियो भेज रहे हैं उनको वॉच करें। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।